नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन सेट पर अक्सर बॉलीवुड से जुड़े किस्से शेयर करते रहते हैं। वो फिल्मों की कई बातें दर्शकों के साथ और कंटेस्टेंट के साथ शेयर करते हैं। ऐसे एक लेटेस्ट एपिसोड में बिग बी ने दिग्गज अदाकारा यानी बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रही वहीदा रहमान के मेकअप हैक होने के बारे में खुलासा किया है। आज हम आपको अपनी वीडियो में इसी बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, आपको पता है कि कौन बनेगा करोड़पति का 15वां सीजन काफी लोकप्रिय हो चुका है और ऐसा क्रेज लोगों के बीच में बना हुआ है। गेम के दौरान अमिताभ बच्चन अपनी लाइफ से जुड़े कई बातों का खुलासा करते हैं और इसी बीच वो बीच बीच में अपने फिल्म जीवन से जुड़े चीजों का भी खुलासा दर्शकों के सामने करते हैं। इसी कड़ी में अब जो आपको बताने जा रहे हैं कि वहीदा रहमान के मेकअप हैक को होने के बारे में भी अमिताभ बच्चन ने खुलासा करके हर किसी को चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिग बी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के दूसरे राउंड की शुरुआत करते हैं, जिसे जीतने के बाद दिल्ली से आई हुई कंटेस्टेंट ऋचा सिंह हॉट सीट पर पहुंच जाती है। ऋचा सिंह दिल्ली मेट्रो में सीनियर स्टेशन मैनेजर है। बिग बी उनके प्रोफेशन की सराहना करते हैं और कहते हैं कि यह काफी कठिन काम है आपका और आपके लिए बहुत सम्मान रखते हैं। से जुड़ा हुआ एक किस्सा शेयर करते हैं और कहते हैं कि वहीदा रहमान के मेकअप हैक के बारे में वो सब कुछ जानकारी देते हैं। अमिताभ बच्चन कहते हैं वहीदा जी के पास उनका फेवरेट कॉम्पैक्ट है जिसे वो अपने सभी मेकअप के लिए इस्तेमाल करती है। वो उस छोटे कॉम्पैक्ट को हर समय रखती है। ऐसे कई एक्टर है जो सिर्फ अपने आईने को पकड़ने के लिए चार लोगों को रखते हैं, क्यों उन्हें सब कुछ देखना होगा, मेकअप और फिट और सब। अमिताभ बच्चन इसके बाद कहते हैं कि लेकिन ये नहीं बताएंगे कि वो कौन है, नहीं तो वो मुझे पकड़ लेंगे। उन सभी की हालतें अलग अलग हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन इसके बारे में बताते हैं, हंस मजाक भी करते हैं और इस बारे में खुलासा कर देते हैं। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसे कौन से आर्टिस्ट है, बॉलीवुड की हीरोइन है, जो कि अपने आईने को पकड़ने के लिए चार लोग को रखते हैं। आपका क्या कहना है, ऐसे कौन सी हीरोइन है जो ऐसा काम करती है, चार लोग को रखती है? कमेंट करके आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि ऋचा ने इस पहला पड़ाव आसानी से पूरा कर लिया। 40,000 रुपए की कीमत के साथ वो सातवें स्थान पर पहुंच जाती है। जो एक इमेज प्रश्न होता है, उनसे इमेज दिखाकर सवाल पूछा जाता है कि वह व्यक्ति किस देश का राष्ट्रपति है। एक तस्वीर दिखाई जाती है जिस जो व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं किसी देश की, पूछा जाता है कि ये किस देश के राष्ट्रपति है। बी अर्जेंटीना, सी कनाडा, डी यूक्रेन। और ऋचा अपनी लास्ट की दो लाइफलाइन का इस्तेमाल करती है और इसके बावजूद वो दोनों लाइफलाइन के इस्तेमाल के बावजूद गलत उत्तर दे देती हैं। बी अर्जेंटीना कहती हैं और जबकि सही उत्तर डी यूक्रेन था। तस्वीर जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की उनकी थी, लेकिन वो इस सवाल के जवाब में गच्चा खा जाती है और इस तरह से ऋचा यहाँ से 10,000 रुपए लेकर भाग जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू दोस्तों।